मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को बताएंगे आज जीएसटी के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग का ईआरएन नंबर से कैसे आप लोगों का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आप लोग कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा आप लोग ईआरएन नंबर से कैसे आप लोगों का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो आप लोगों का मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र है तो क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। जाने के बाद आप सर्च बार में सर्च करेंगे www.gst.gov.in। देखिए आप यहाँ लिख के आप लोग सर्च कीजिएंगे। आप लोगों के पास इसे एक वेबसाइट आ जाएगा। आने के बाद आप लोग यहाँ पे डेस्कटॉप मोड कर दीजिए। डेस्कटॉप मोड करने के बाद आप लोग यहाँ पे सर्विस दिखाई दे रहे हैं, सर्विस से जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए आप लोगों के पास ऐसे एक वेबसाइट आ जाएगा, मतलब वेबसाइट आ जाएगा। तो वहाँ पे ये न्यू रजिस्ट्रेशन टेक एप्लीकेशन स्टेटस आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी वीडियो कैसे लगा आप लोग मेरे कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो हम टेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो आप लोगों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सबमिट होने के बाद आपको ईआरएन नंबर मिला है तो ईआरएन नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो मैं आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे डाल के आपको जो ईआरएन नंबर डालना है और कैसे चेक करना है, ठीक है। तो बोले मेरा ईआरएन नंबर लिखना है तो बोले 18011 18011 इसके बाद 90015 90015 5687 5687। देखिए सॉरी दोस्तों थोड़ा 2 5 हो गया तो काट देते हम 6 8 7। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैप्चर दिया गया है, वो कैप्चर देख के देखकर फिलअप कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो सेंस कर देते हैं हम उसको यार नम कैप्चर। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए नया कैप्चर आ गया तो कैप्चर हम यहाँ पे डाल देते हैं 40437 8 और आप लोग यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटस है ईआरएन नंबर का तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है दोस्तों आ चुका है। तो आपको यहाँ पे देख रहे यार नंबर फ्रॉम नंबर फ्रॉम सबमिट कब से डेट को कब सबमिट हुआ है स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे आके ए पेंडिंग फॉर ए क्लेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। वो जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आई का जैसे फोर वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ का यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका सक्सेस मतलब फॉर्म सही हुआ है कि नहीं यहाँ पे देख सकते हैं। पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग चल रहे हैं तो पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप नोटिस दिया गया है कोई आपका फॉर्म में फिलअप करने के बाद गलती हुआ है कोई इशू है तो आप लोग यहाँ पे 7 दिन के अंदर अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं, मतलब फॉर्म को दोबारा सही कर सकते हैं फिलअप करके 7 दिन के अंदर अंदर करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये है सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग हो रहे टैक्स के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्म कोई इशू का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑफिसर है जो टैक्स पेयर का वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे जाके आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो मेरे वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।